हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। 1060 की वैल्यू होती है √3 एंड √3 का होल स्क्वायर प्लस sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होल स्क्वायर इंटू 4 प्लस sin 90 की वैल्यू होती है 1 एंड 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sec 30 जो कि cos का रिवर्स होता है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी रिवर्स 2/√3 इसका होल स्क्वायर प्लस cosec² 30 जो कि sec 30 की ही वैल्यू होती है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस cot 30 tan 30 का रिवर्स और जो कि क्या होती है 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है तो cot 30 जो होगा उसका रिवर्स हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। √3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 1/√2 उसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 इंटू √3 इज 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस अगेन 3 जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स रिमेनिंग 3 प्लस 2 प्लस 1 4 माइनस 3 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा ये 6 एलसीएम लिया 3 प्लस 4 और सॉल्व करेंगे इसको 3 डिवाइड से कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में 6 इंटू 3 एंड 3 प्लस 4 इज 7 18 डिवाइडेड बाय 7 और ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। साइन 30 वैल्यू होती है 1/√2 माइनस sin 90 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 0 2 इंटू कॉस 0 की वैल्यू होगी 1 tan 30 वैल्यू होती है 1/√3 इंटू tan 60 की वैल्यू होगी √3 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/√2 माइनस 1 और प्लस 2 तो वापस क्या बन जाएगा ये प्लस 1 एंड ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3/2 ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 2 इंटू टेन थर्टी की वैल्यू क्या होगी 1/√3 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 वैल्यू होती है 1/√3 एंड 1/√3 का होल स्क्वायर ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2/√3 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस इसका होल स्क्वायर करने पे 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा 3 ये आ जाएगा 2/√3 एंड यह एलसीएम लेके अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 3 माइनस 1। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर एंड 3 माइनस 1 कितना होगा 2 2 से 2 कैंसिल हुआ और इसको अगर हम कट करते हैं तो यहाँ पे ये बच जाएगा हमारे पास में √3 एंड √3 इज़ हमारा फाइनल आंसर है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू sin 30 इसकी वैल्यू होगी 1/√2। सॉल्व करते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो √3/4 प्लस √3/4 इनको अगर हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके √3 प्लस √3 ये क्या हो जाएगा अपना सेकेंड इसको बाद में करेंगे इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 4 इसको कैंसिल किया
ये टू टाइम्स कैंसिल हो गया और हमारी वैल्यू क्या आ रही है, रूट थ्री अपॉन टू। लेकिन अपन को यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स। तो इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कॉस में रूट थ्री अपॉन टू जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है, कॉस में कॉस थर्टी की वैल्यू हमने रूट थ्री अपॉन टू रखी है ना, ये तो यानी कि यहाँ पे कॉस है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो वैल्यू है ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। तो यहाँ से कॉस कॉस हट गया, तो हमारे x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 30 डिग्री। स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू इन टू, कॉस 30 वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू माइनस कॉस 60, इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन टू इन टू साइन 30 वैल्यू होगी 1 अपॉन टू। ठीक है, फिर देखेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 अपॉन 4 माइनस ये आएगा 1 अपॉन 4। तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन 4, और इसको आगे कट करते हैं तो ये कट हो जाएगा और आ जाएगा 1 अपॉन 2। हमें क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे LHS में हमने को क्या दिया हुआ है, साइन 2x। ये हम क्या सॉल्व कर रहे थे, RHS। हमें यहाँ पे दिया हुआ है साइन 2x, तो साइन 2x हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस x की। ठीक है, अब साइन में 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, ये 1 अपॉन 2 जो होती है ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, साइन से साइन तो हट जाएगा, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और टू मल्टीप्लाई से कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, जो कि कैंसिल आके क्या आ जाएगा, 15। दैट मीन्स एक्स की जो फाइनल वैल्यू आई है वो क्या आई है, 15 डिग्री। करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 11th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो देखो LHS में हमें ये दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 2 प्लस साइन 45 वैल्यू होगी 1 अपॉन रूट 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू सेम है 1 अपॉन रूट 2 प्लस 2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 और 2 इंटू 1 इज 2, 1 अपॉन 2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 इंटू 2 ये रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 प्लस 2। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा हमारा LCM ले लेते हैं इसका 2, 1 प्लस 1 और ये आएगा आपका 4, 6 अपॉन 2 एंड इसको कैंसिल किया तो 3। हमें क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें LHS में दिया हुआ क्या है, रूट 3 टेन 2x और यहाँ इस साइड में RHS में हमारी वैल्यू क्या आई है, 3। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालने, तो सबसे पहले काम करते हैं रूट थ्री जो है मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई से कहाँ ले जाते हैं, डिवाइड में। 10 2x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय रूट थ्री, और अगर हम इसको कट करके सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास में क्या बचेगा, रूट थ्री। 10 2x इज इक्वल्स टू रूट थ्री, और रूट थ्री जो होती है वो 10 किसकी वैल्यू होती है, रूट थ्री वैल्यू होती है 10 60 की। 10 2x इज इक्वल्स टू 10 60 डिग्री, 10 से 10 अगर कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ बचेगा आपके पास में 2x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और 2 को मल्टीप्लाई से कहाँ ले जाते हैं, डिवाइड में, और कट करने पे हमारी x की जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 30 डिग्री। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, रूट थ्री अपॉन टू प्लस साइन 60 वैल्यू वही होगी रूट थ्री अपॉन टू डिवाइडेड बाय, इस बार हमें क्या करना है, क्वेश्चन में प्रूव करना है LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हम अभी क्या सॉल्व कर रहे हैं, LHS जिसको हमें RHS के इक्वल, यानी इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू लेके आनी है रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, 1 प्लस कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2। इनको सॉल्व करते हैं अगर LCM लेके तो यहाँ पे आएगा हमारा 2 और ये रूट 3 प्लस रूट 3
और हेयर डिवाइडेड में आ जाएगा टू, टू प्लस वन प्लस वन, ठीक है, ये आ जाएगा टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू। और इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो टू डिवाइड से कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये पूरा कितना बन जाएगा फोर, ठीक है। ये टू से टू कैंसिल हो गया और ये टू से कट गया कितने टाइम्स, टू टाइम्स, यानी कि यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, फाइनल वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू आई है, जो कि किसके इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। आज हमने अदर क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।